फ्राइडे पर्दे पर सोनम संजय दत्त से टक्कर लेंगे सनी देओल के बेटे यानी कि करण देओल। बॉक्स ऑफिस पर आज तीन बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं, संजय दत्त की फिल्म प्रस्थानम, तो वहीं इंडियन क्रिकेट टीम की लकी चार्म बनकर सोनम कपूर भी आ रही हैं अपनी फिल्म द जोया फैक्टर को लेकर। तो वहीं आज का दिन देओल फैमिली के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि देओल फैमिली की तीसरी पीढ़ी यानी कि दादा धर्मेंद्र और पिता सनी देओल, चाचा बॉबी देओल के बाद अब सनी देओल के बेटे करण देओल फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में अपने करियर का आगाज करने जा रहे हैं, यानी बॉलीवुड में फिल्मी जगत में कदम रखने जा रहे हैं। तो वहीं संजय दत्त की फिल्म प्रस्थानम आज रिलीज हो गई है। संजय दत्त के अलावा इस फिल्म में जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला, अली भजल और चंकी पांडे अहम रोल में दिखेंगे। तो वही डायरेक्टर देवा कट्टा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म पॉलिटिकल थ्रिलर है, यानी कि एक्शन फिल्म के तौर पर ये देखा जा रहा है। तो वही सोनम कपूर और दुलकर सलमान की द जोया फैक्टर भी आज रिलीज हो गई है। ये फिल्म अनुजा चौहान की किताब द जोया फैक्टर पर आधारित है। फिल्म की कहानी जोया नाम की एक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका जन्म उस दिन हुआ था जब इंडिया ने 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। जोया को उसका परिवार क्रिकेट के लिए लकी मानता है, लेकिन जब टीम इंडिया उसे लकी मैस्कॉट के तौर पर साइन करती है तब हालात हाथ से बाहर हो जाते हैं। तो वहीं सनी देओल के बेटे करण देओल पहली बार फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं। फिल्म में करण और सहर बांबा लीड रोल में हैं। सहर की भी ये पहली फिल्म है। तो वहीं पल पल दिल के पास को सनी देओल ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म एडवेंचर पर बेस्ड एक लव स्टोरी है। अब देखना ये होगा कि ये तीनों फिल्म में से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाएगी, तो वहीं कौन सी फिल्म किस फिल्म को टक्कर देगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ये तीनों ही फिल्म बहुत ही अच्छी हैं, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि किस फिल्म ने किस फिल्म को टक्कर दिया। SPN9 न्यूज़ रूम से श्रुति की रिपोर्ट।